दिल्ली सरकार ने कुछ भोजन वितरण केंद्र बंद कर दिए हैं, लेकिन इस बात की जानकारी न तो मीडिया को दी गई और न ही इलाके के लोगों को। ऐसे में स्वराज एक्सप्रेस ने मंडावली इलाके की पड़ताल की, जहां पता चला कि मंडावली के एक सरकारी स्कूल में एक हफ्ते पहले तक खाना मिलता था, लेकिन अचानक भोजन वितरण केंद्र बंद कर दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता इमरान की स्पेशल रिपोर्ट। लॉकडाउन के समय दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को खाना खिलाने का काम शुरू किया था। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों से खाना बनाया जा रहा था, वहाँ से राशन दिए जा रहे थे, लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल हफ्ते भर से बिना किसी सूचना के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किए खाना बांटना बंद कर दिया गया। मंडावली के ये सरकारी विद्यालय है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर भी खाना बटा करता था दिल्ली सरकार की तरफ से, जो कि अब नहीं बट रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, यहाँ पे खाना बटता था, राशन बटता था, और अब बट रहा है कि नहीं बट रहा है? नहीं, अब नहीं बट रहा है। अभी नहीं बट रहा? कितने दिनों से? अब यही 6-7 दिन से। राशन बटता था? हाँ, बटता था। अभी बट रहा है? नहीं, अभी तो नहीं बट रहा, देख ही नहीं रहे। यहाँ पे खाना पहले बटता था आप लोगों की जानकारी में? पहले बटता था खाना, अब 7-8 दिन से खाना बिल्कुल नहीं बट रहा, ना राशन पानी बट रहा, कुछ भी नहीं। कुछ बताया गया था, जानकारी दी गई थी कि नहीं बटेगा? कुछ नहीं बताया था। कहाँ रहते हैं? पीछे प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या खाना कब से बंद हुआ है? खाना ये कोई 8-9 दिन हो गए जब से नहीं बट रहा। पहले बटता था, अब उन्होंने कहाँ पे खाना बटता था? यहाँ स्कूल के अंदर बटता था, लाइन लगा के मिलता था। उन्होंने अपना भी बंद कर दिया, ना कोई सूचना दी ना कुछ करा, बंद कर दिया। तो यहाँ पे लाइन लगती थी जी, अभी भी लोग आते हैं खाने के लिए? आते हैं, मगर आते हैं पर बंद है तो चले जाते हैं वापसी मुड़ के। अच्छा, खाना यहाँ बटता था, तो आप लोगों को कुछ बताया गया कि कब से नहीं बटेगा? हमें पता नहीं, कोई जानकारी नहीं दी। अचानक से बंद हुआ? अचानक से बंद। यानी ये दिल्ली का ऐसी ही स्थिति दिल्ली के कमोबेश काफ़ी स्कूलों में देखने को मिली है। वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर के सरकारी विद्यालय में जो है यही स्थिति मिली है। वहाँ सुबह से ही लोग लाइन में लगते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ लाइन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं इस उम्मीद से कि खाना मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खाना लोगों को नहीं मिल रहा है। और खाना ना बांटने की क्या वजह है इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, और न ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऐलान किया गया है कि खाना अब नहीं बटेगा। हालाँकि जो बेरोज़गारी का स्तर है वो बड़ा है, गरीब मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्हें अभी भी काम नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर स्कूलों की कमोबेश यही स्थिति है, और कई मोहल्ला क्लिनिक भी पिछले 1-2 महीने से बंद नज़र आ रहे हैं। यानी लॉकडाउन में जो तस्वीर नज़र आ रही है वो ये तस्वीर नज़र आ रही है कि नहीं लोगों को राशन मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है, और नहीं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है, और ये सब अचानक से बंद कर दिया गया है। कैमरामैन फ्रैंकलिन के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस दिल्ली।